हनुमान बेनीवाल के पीछे हम तो अंधे हुए हैं। किस लिए अंधे हुए हो? विधानसभा चुनाव की चौसरा बीत चुकी है और गांव की चौपाल तक है, राजनीतिक बातें अब होना शुरू होगी। और विधानसभा चुनाव मेड़ता सिटी अगर बात करें तो हमारी टीम पहुंची आज मेड़ता विधानसभा क्षेत्र के बुरियासनी गांव में, जो खातियासनी ग्राम पंचायत का एक गांव है, जहां जिस प्रकार से ग्रामीण आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उनसे बात करेंगे किस पार्टी का समर्थन कर रहे हो और उनके गाँव में क्या विकास हुए, क्या विकास के नाम पे चुनाव में आप मतदान करेंगे या व्यक्ति को देखकर या पार्टी को देखकर वोट करेंगे। राम राम सर। कई नाम आप ओम प्रकाश भूमि आज थोड़ा ज्यादा भेड़ा ही हो, कई बात है आज मांगे इंदिरा देवी जी आई ये हम समर्थन करा खूब और अच्छी तरह को वोट दे हुआ और लोगों को वोट भी दे रहा हुआ। क्यों कि माने कुछ न कुछ फायदो कर गया। लाडला एमएलए आया कोई की कर कौन गया, एमएलए आई माने फायदो कर गई, 10-12 लाख रुपये भी गाँव में दिया है, बाकी कोई एमएलए नहीं देन गया। कहीं कहीं काम है आपने गाँव रे, मैंने जो इंदिरा देवी बावरी कराया, मांगे स्कूल को मरम्मत कराई है, गौशाला में भी पैसा दिया है। बात है और अगली बात कर ला, इंदिरा देवी भावरी एक बार विधायक रह चुकी है तो अब की बार वो मन कौन बने और की बार दूसरा आदमी मौका देना चाहिए। नहीं बढ़िया आदमी है, बढ़िया कैंडिडेट है तो मन का ही मतलब है और मौका कोई हनुमान है। इंदिरा भावरी ने वोट दे रही है, हनुमान बेनीवाल दे रही है, हनुमान बेनीवाल ने भी देवा, इंदिरा भावरी ने भी देवा, दोनों नहीं देवा। कह रही है माने गाँव में विकास भी करवाए, कुछ लोग अपने साथ हो रहे, युवा है। राम राम। राम राम सर। क्या नाम है? सुशील भंवरिया। सुशील जी बुरियासनी के रहने वाले? बुरियासनी के रहने वाले। फर्स्ट टाइम दे रहे हो वोट? अगली बार भी दिया था? नहीं, तीसरी बार दे रहे हैं। वार्ड पंच है तो इस बार है किस पार्टी का समर्थन करें? जैसे गमछा देख रहा हूँ आप आरएलपी के कार्यकर्ता है। आरएलपी का समर्थन कर रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल के पीछे हम तो अंधे हुए हैं। किस लिए अंधे हुए हो? हनुमान बेनीवाल के पीछे अंधे होने का क्या राज है? हनुमान बेनीवाल के पीछे हम दीवानगी है, वो किसानों का काम करता है, इसलिए आम आदमी का काम करता है, इसलिए हम हनुमान बेनीवाल के। लेकिन एक आप युवा है, लेकिन ये बात हमेशा मैं हर भी इंटरव्यू में पूछता हूँ और ये हनुमान बेनीवाल के बारे में कहा जाता है, उनके साथ जो टीम है सारी युवाओं के बुजुर्ग लोग हैं, सापे वाले कम नजर आ रहे, उसका क्या कारण? नहीं बुजुर्ग है साथ में, युवा ज्यादा है पर बुजुर्ग के साथ में, ये बुजुर्ग हमारे साथ में है। और इस बार इंदिरा भावरी को आप किस प्रकार से जिताने के लिए तैयारी करेंगे, किस प्रकार से लोगों के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? हर आदमी के पास जाएंगे, तन मन से इंदिरा देवी जिताने का प्रयास कर रहे हैं पूरा। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। राम राम सा। राम राम सा। कई नाम है? छोटू राम जी। छोटू राम जी एक बार वोट किन दे रही हो? इंदिरा ने। इंदिरा भावरी अभी पिन दे रही हो? हाँ। कई काम बढ़िया लगी हो? भाई काम में नाला हाला बनाया, स्कूल में काम कराया, जगह हिस्सा बनाया। हाँ। और तो अब की बार दे रही हो? पिछली बार अभी नहीं, आगे दिया। आगे दिया। हाँ हाँ और भी देव। और भी देव। हाँ। और हनुमान बेनीवाल कई चीज है जो बढ़िया, किसान बात है, बहुत आदमी बढ़िया है, बढ़िया। हाँ बिल्कुल। एक कह रही हनुमान रो काम बढ़िया, किसान वास्ते बढ़िया काम करे। राम राम सर। राम राम सर। कई नाम आप रो? नाम बुरियानी। बुरियानी अब की बार किरे समर्थन कर रहे हो? आरएलपी। और अब की बार आपरो गांव कितना परसेंट तक आरएलपी पक्ष में आई? 90% है। 90% आई बिल्कुल। इनका दावा है की 90%। अब तो ये चुनाव में किस प्रकार से इनके साथ आएंगे? कुछ युवा हमारे साथ और है। राम राम। क्या नाम? राम राम सर। महेंद्र डांगा नाम है। महेंद्र जी डांगा। तो आपको कितना टाइम हो गया वोट देते हो? आपको आपके थर्ड टाइम है? थर्ड टाइम है। तो इस बार आरएलपी के साथ है जुड़े हैं, तो किस क्या वजह, क्या विचारधारा आरएलपी से आपकी मिलती है? देखो सत्तन मन होता आरएलपी इंदिरा जी हर आदमी की बात सुने आप, बट घर जाओ तैयार रहे यार, बाकी आप चारों में रोड आ रही स्कूल विकास देखो बहुत खूब विकास। लेकिन एक बात आप भी आवे कि इंदिरा देवी भावरी अनपढ़ है, तो अपने विधानसभा में बात पढ़े लिखो एक नहीं तो होना चाहिए, आपने मन में कभी आवे? बात अनपढ़ की नहीं है, बात है मुद्दा उठा बाकी सब ज्यादा मुद्दा उठाए, हर आम आदमी मुद्दा उठाए, स्कूल में ले लो, शिक्षा में ले लो, हर चीज का, हर जाति में साथ ले चले। बिल्कुल। हमारे साथ और गांव के नागरिक हैं। राम राम साहब। राम राम साहब। भाई नाम साहब। राम अवतार भंवरिया। राम अवतार जी एक बार आप एक बार फिर हेल्प साथ नजर आ रही हो, किस प्रकार अब की बार पहले माहौल ज्यादा बढ़िया है, अब की थोड़ा कम है? बिल्कुल ज्यादा है साहब, पहले नहीं कम बोल जाना अनपढ़ वगैरह सब कह रहे हो, जो कोई भी विकास करियो जाना, आपकी बात तो 5 साल ट्रेंड जोड़ी है कहीं नहीं तो जी साथ है यार, विकास करवाई लाल 10 साल में की बीजेपी रहा सुखराम जी आ, कोई विकास नहीं हो, चाहे स्कूल में देख लो आप, रोड पे देख लो, कहीं पे देख लो। आपने गाँव में बुरियासनी में इंदिरा देवी भावरी आ रही है, किस प्रकार है बड़ा स्वागत कर रहे हो? जबरदस्त साहब, देख लो माहौल है, जो वीडियो घुमा लो आप, पूरा गाँव रहा साथ है, 36 कौम साथ है। बिल्कुल। तो ये बुरियासनी गांव के नागरिक हैं जिसमें बीजेपी के समर्थकों के सामने है और आरएलपी के समर्थक के साथ में है, और किस प्रकार से अब विधानसभा चुनाव पे आरएलपी के साथ उनका साथ रहता है, किस प्रकार वोटों में तब्दील होता है, ये आने वाली 25 तारीख को पता चलेगा। जब तक जय जवान जय किसान।